स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बीचएम में। दोस्तों आज जो मैं आपको जो सीरीज चल रही थी हमारी साइंस की, उसका सेकंड क्लास जो है वो लेकर के आया हूँ। इस क्लास के एंड में मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जो भी आज मैं टॉपिक करवाऊंगा उसी से संबंधित होंगे। जो भी 5 क्वेश्चन जो होंगे उनके राइट आंसर देगा वो आपको हम कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड करवाएंगे। उस मेल आईडी के अंदर आप अपनी फोटो के साथ अपने नाम को भी क्या करोगे हमें साथ भेजना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर आप लोगों को आपके नाम के साथ आपकी जो फोटो है वो अनाउंस करेंगे आप उसको। तो इस तरीके से आप काम क्या करेंगे, आप जितने भी हम 5 क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो को लेकर शुरू से एंड तक देखें, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब अपने जो सीरीज चल रही थी कि मास और वेट जो है ये पहली कक्षा में हमने पढ़ लिया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा जाके देख सकते हो, क्योंकि जो LP लेवल 2 तो ये जितने भी जो स्टूडेंट जो एग्जाम ले LP 2 में बैठने वाले हैं उन सभी के लिए उपयोगी है, चाहे ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे PCM से हो। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा डेंसिटी। तो आज मैं आपको सारी जानकारी जो दूंगा वो डेंसिटी पर दूंगा। तो डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेंसिटी जो होती है होता क्या है, तो डेंसिटी का सबसे पहले अपने फार्मूले से इसकी परिभाषा जो है अपने बनाने वाले हैं। तो डेंसिटी को या तो डी से दर्शाया जाता है या इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेंसिटी जो होती है वो एम अपॉन में क्या होता है, वी होता है। मतलब घनत्व जो होगा अपना वो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और क्या होगा आयतन, यानी कि द्रव्यमान और आयतन इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, अपना डेंसिटी कहलाता है। इसकी अगर आप परिभाषा बनाना चाहते हो तो अगर मैं वी का मान लेता हूं 1 तो डी बराबर क्या हो जाता है, एम हो जाता है। मतलब इसकी परिभाषा क्या बनती है कि इकाई आयतन में पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। तो इस तरीके से आपको अलग से परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी से आप क्या कर सकते हो, इसकी क्या कर सकते हो, डेफिनेशन जो है वो बना सकते हो। अब अपने बात करेंगे कि घनत्व होता क्या है वास्तव में। आप लोग कभी मार्केट जाते हो तो जितने भी जो द्रव जो आते हैं वो आप हमेशा लीटर के अंदर लेकर के आते हो, उनमें कभी भी आप KG शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप दुकानदार के पास जाते हो तो उसको ये बोलते हो कि 2 लीटर तेल दे या 3 लीटर तेल दे। वो लीटर में जो लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे जो रीजन है वो घनत्व है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अपने पास क्या 1 किलो क्या पानी है, या 1 लीटर क्या पानी है, इसी तरीके से 1 लीटर क्या घी है और 1 लीटर क्या शहद है। तो देखो इन सभी का अगर आपने देखा भी होगा कि वेट जो होगा, इन सभी का जो वेट जो होगा वो सभी का वेट अगर केजी में अगर आप देखोगे वो सभी का अलग अलग होगा। वो होता क्यों है, उसका रीजन जो है वो क्या, घनत्व है। क्योंकि हर वस्तु का जो घनत्व जो होता है वो सेम नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का जो भार जो होगा, किसी वस्तु का जो भार जो होगा या उसकी जो मात्रा जो होगी वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो घनत्व के ऊपर डिपेंड करती है। जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा, जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका जो वजन जो होगा या उसका द्रव्यमान जो होगा वो उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बात आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी वस्तु का जो भार या द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, घनत्व डिसाइड करता है, या भार या द्रव्यमान जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां अपने बात करने वाले हैं कि इनकी जो यूनिटें जो होती है, कि अपने पास पता है कि SI मात्रक होता है, SI पद्धति होती है, MKS, FPS और CGS होती है, उन सभी के अंदर आप इनकी यूनिटें जो होती है वो कैसे बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली फार्मूले को याद रखना है। आप जितनी भी यूनिटें होंगी आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, बता सकते हो। तो देखो यहां पे अपने को पता है घनत्व, तो यहां 4 अपने पास अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं। आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि इसके FPS मात्रक पद्धति में इसकी यूनिट क्या होगी या SI यूनिट कौन सी होती है। तो देखो फार्मूला आप सभी को पता है। तो फार्मूले में क्या था, D बराबर क्या था, M अपॉन में क्या था, V था। अगर आप द्रव्यमान को किस में लेते हो, KG के अंदर, और आयतन जो होता है आयतन को किस में लेते हो, मीटर क्यूब के अंदर, या मीटर के अंदर लोगे सभी डायमेंशन तो मीटर क्यूब होगा। तो यहां डेंसिटी की जो यूनिट जो होगी SI वो क्या होगी, KG पर मीटर क्यूब होगा। इसी तरीके से MKS के अंदर भी क्या होगा, यही यूनिट चलेगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी यूनिटें जो है किसी भी भौतिक राशि की उनकी MKS और SI यूनिट लगभग सेम है। CGS की अगर हमने बात करें तो जो द्रव्यमान जो होता है मैंने आपको बताया था इसको किस में लेंगे, ग्राम के अंदर, और जो दूरी जो होगी या जो लेंथ ली जाती है वो किस में ली जाती है, सेमी के अंदर। तो यहां क्या बन जाएगा, सेमी
क्यों बन जाएगा। फिर ध्यान रखना यहाँ जो अपीयस पद्धति हो गई उसमें जो द्रव्यमान जो लिया जाता है वो किसमें लिया जाता है, पौंड के अंदर लिया जाता है, और पौंड को आप किससे लिखते हो, एल बी से। और जो डिस्टेंस होगी, जो लंबाइयां जो होगी आयतन के अंदर जो लेते हैं वो किसमें लोगे, फुट के अंदर लोगे। तो इसका जो मात्रक जो बनेगा अपीयस पद्धति के अंदर क्या होगा, पौंड प्रति फुट क्यूब होगा। तो इस तरीके से आप काम क्या कर सकते हो, इनके जो मात्रक है वो क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, बता सकते हो किस तरीके से इनके मात्रक बनेंगे। तो आपको ओनली फार्मूला याद रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो विमीय या डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लो, किसी भी तरीके का मात्रक पद्धति के अंदर आपसे मात्रक पूछेगा तो आप किसी भी यूनिट की या किसी भी भौतिक राशि की इनकी मात्रक को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपसे विमीय फार्मूला पूछा जाए, तो उसके अंदर भी आपको इसी के फार्मूले से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो कैसे, यहाँ अपने को पता है डी बराबर के एम अपॉन में क्या है, वी है। और विमीय फार्मूला क्या होता है कि आप किसी भी भौतिक राशि को उसकी विमाएं एम एल टी से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हो, ये इसका क्या है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में पावर क्या है, कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ इसकी पावर क्या लेंगे, एक लेंगे। और ये जो नीचे आपको भाग में दिखाई दे रहा है ये आयतन है, और आयतन किस में होता है, मीटर क्यूब के अंदर। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस थ्री बनेगा। मतलब जो इनकी लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, माइनस थ्री बनेगी। और टी यहाँ किसी भी तरीके से समय का कोई भी यहाँ जिक्र नहीं किया गया तो अपने इसकी पावर क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, और या इसको और लिखने का जो तरीका है वो क्या लिख सकते हो, एम वन एल की पावर माइनस थ्री, और टी नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये तो इसका क्या बन गया, विमीय फार्मूला बन गया। अब आगे अपने बात करने वाले हैं डेंसिटी जो होती है वो किस में मेजर की जाती है, या जो वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसकी डेंसिटी किस में या किस तरीके से ली जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पानी का जो घनत्व जो होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पानी का जो घनत्व जो होता है वो क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, अधिकतम होता है। पानी का अगर अपने घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो डी बराबर क्या होगा, एम अपॉन में क्या होता है भी, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका घनत्व क्या है, सबसे अधिक है, तो आयतन क्या होगा, सबसे कम होगा, और द्रव्यमान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। क्योंकि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, यही बात उन्होंने शुरू में जिक्र किया था। अब एक चीज देखो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब आप लोगों ने एक बात भी पढ़ी होगी कि पानी जो होता है, पानी के ऊपर बर्फ क्या होती है, तैरती है। क्योंकि बर्फ क्या होती है, हल्की होती है समान आयतन के लिए पानी की तुलना में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ तैर रही है, क्यों तैर रही है, क्योंकि पानी का तुलना में बर्फ का घनत्व क्या है, कम है। इसका घनत्व क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि देखो घनत्व कम होगा तो वो वस्तु भी क्या होगी, हल्की होगी, क्योंकि डी समानुपाती क्या होगा, एम होगा। ये कम होगा तो ये क्या होगा, वेट भी है उसका, द्रव्यमान जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और हल्की चीज होगी वो हमेशा क्या होगी, तैरेगी। आपसे पूछा जाए कि आकाश के अंदर बादल तैरते हैं, इसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या है, तो बादलों का जो घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। आपसे ये पूछा जाए कि साधारण पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों, तो दिमाग लगाओ कि आप जो है वो पानी पर तैर रहे हो, तो बर्फ जो समुद्र का जो पानी है वो काम क्या कर रहा है, आपको ऊपर की ओर धकेल रहा है, तभी तो आप ऊपर तैरोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां समुद्र के पानी का जो घनत्व है, वो क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब समुद्र का जो वेट होगा, समुद्र क्या करेगा, आपको ऊपर की ओर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु ऊपर तैरेगी उसका तो क्या होगा, घनत्व कम होगा, और जो दूसरी वस्तु होगी उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बात आपको यहां से क्या करनी है, याद रखनी है। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो पानी का जो घनत्व जो होता है, या शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का जो घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। अगर आपको यहाँ सेमी नहीं दिया या यहाँ ग्राम नहीं दिया तो आपको क्या देगा, केजी देगा। तो अब आपको काम क्या करना है, एक है बा का निशान लगा दो, ग्राम है, ग्राम में केजी कितने होते हैं, 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 1/1000 केजी होगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/1000
के जी सेमी दिए रखा है, तो आपको पता है कि एक मीटर में सेमी कितने होते हैं, 100 सेमी होते हैं, और एक सेमी के अंदर मीटर कितने होंगे, 1/100 होंगे। तो अब आपको काम क्या करना है कि एक सेमी जहां लिखा वहां 1/ क्या लिख सकते हो, 100 मीटर। तो ये 100 कहां जाएगा, ऊपर, यानी कि 100 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पावर 3 है तो आप 100 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, और नीचे क्या लिख सकते हो आप, मीटर क्यूब। तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो 100 और 10, तो यहां ऊपर कितना बचेगा, 1000 kg मीटर क्यूब। तो आपसे पेपर के अंदर दो प्रकार से सवाल पूछा जा सकते हैं कि पानी का घनत्व अगर ग्राम प्रति सेमी क्यूब में दिया तो 1 लिखोगे, 1000 kg अगर केजी प्रति मीटर क्यूब में दिया तो कितना लिखोगे, 1000 लिखोगे। अब बात आती है कि जो घनत्व जो होता है उसका मेजरमेंट किसमें करते हैं, तो किसकी मीटर की सहायता से किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर जो होते हैं, हाइड्रोमीटर जो होता है उसकी सहायता से काम क्या करते हो आप, पानी का जो घनत्व जो होता है उसका मेजरमेंट करते हो। तो आपको यह याद रखना है कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो पानी का क्या बताता है, डेंसिटी बताता है, या किसी भी द्रव की क्या बताता है, डेंसिटी बताता है। फिर और बात आती है कि आपको जो अपेक्षित घनत्व आपने पढ़ा होगा, एक शब्द आता है अपेक्षित घनत्व, तो यहां देखो क्या होगा कि किसी वस्तु या किसी द्रव का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आपका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। मतलब आप किसी द्रव की तुलना कर रहे हो पानी के घनत्व से। फिर आपको क्या बात याद रखनी है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहां भी घनत्व है, यहां भी घनत्व है, ऊपर भी केजी प्रति मीटर क्यूब लोगे और नीचे भी क्या लोगे। तो शब्द जब भी अपेक्षिक जुड़ेगा इसका मतलब उसकी यूनिट नहीं होती, वो विमाहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। डेंसिटी पर सवाल किस टाइप के पूछेगा, सवाल जो है वो आपको याद रखना है। तो यहां मैं आपको डेंसिटी पर सवाल बता देता हूं किस तरीके से पूछने वाला है। तो देखो फार्मूले के अंदर आपको क्या दे रखा है, बस 3 चीजें, 3 में से आपको 2 देगा, और 1 क्या करेगा, वो पूछेगा। आपको घनत्व दे दिया, जैसे घनत्व का मान कुछ भी दे दिया, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि पानी का ही ले लेते हैं कि 1 ग्राम प्रति क्या है, सेमी क्यूब है, और उसका आयतन यानी कि कोई बर्तन है उसका आयतन दे दिया आपको, या हो सकता है कि आपको दे कि एक बर्तन है जिसकी लेंथ कितनी है इस तरीके से, उसकी त्रिज्या दे दिया आपको 7 सेमी और हाइट दे दिया आपको 21 सेमी, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो बर्तन के अंदर जो द्रव रखा गया उसका आयतन क्या होगा या उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो m बराबर क्या होगा, d into v होगा, इसका मान क्या है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। यहां आपको आकृति कैसे दिख रही है, बेलनाकार, तो आयतन क्या लिखाओगे, आयतन का फॉर्मूला लगाओगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्केयर एच होगा। तो इनको आप हल करोगे, हल करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, आपकी m की होगी। तो एग्जाम के अंदर आपको क्या याद रखना है, यहाँ आयतन आपको किन राशियों का देगा, जो 3D आकृति होती है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, तो वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उनके आयतन के फार्मूला याद होना चाहिए अगर घनत्व पर इस टाइप के सवाल आते हैं। तो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आज जो टॉपिक करवाया उसी से संबंधित होंगे, आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आपको स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर आपका जो हम नाम अनाउंस करने वाले हैं, जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चनों को सही करने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चनों को सही करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जो अगर आप कर रहे हो वो आपका सही तरीके से चल सके। तो दोस्तों ये आज को वीडियो आज की कैसी लगी, अगला टॉपिक जो हम इसी से आगे चलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, और जो जिसको आप शेयर करोगे उसको भी मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बीच एम के साथ, धन्यवाद।